हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल सिस्टम। तो आइए देखते हैं फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम एक सेट होता है, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, कोई अकेली चीज़ तो हो नहीं सकती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन बहुत सारी चीज़ों के सेट या फिर कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, एक सेट या फिर हम उसको कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, किन किन चीज़ों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का और फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स को। तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या निकला कि ये एक सेट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फाइनेंशियल मार्केट्स का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का और फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स को फैसिलिटेट करते हैं, जो फंड्स की ट्रांसफ़र कराते हैं। मतलब जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी इकोनॉमी में जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर्स से पैसे को लेकर उन लोगों तक ट्रांसफ़र करवाते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट में यही मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। इट प्रोवाइड्स चैनल टू ट्रांसफ़र फंड्स। ये एक चैनल होता है जिससे फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम सेवर ऑफ मनी, जिनको पैसे सेव करने होते हैं, इन्वेस्ट करने होते हैं, टू बिजनेस हाउसेज हु नीड्स मनी। ऐसे बिजनेस हाउसेज को दे देते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। कुछ बिजनेस हाउसेज को अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, ग्रोथ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और इकोनॉमी में ऐसे लोग होते हैं जो पैसे सेव करना चाहते हैं, जिनसे उनको कुछ साइड इनकम होती रहे, जॉब के अलावा भी उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को लिंक करवा देते हैं ऐसे बिजनेस हाउसेज से जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। इनसे दोनों को फ़ायदा होता है, बिजनेस हाउसेस की नीड पूरी हो जाती है और सेवर्स अपने मनी एक सेफ जगह पे सेव कर पाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम के जो सेट जिन चीज़ों से बना है, वही फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स भी हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक बार आज इस वीडियो में बस हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ और एलिमेंट होता क्या है फाइनेंशियल सिस्टम के। जो हमने डेफिनेशन में पढ़े थे वही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो डालने वाली हूँ अलग से। तो अगर आपको कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम नहीं पता है तो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।